हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग वे। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान को लेकर के। तो इसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मानों को कवर करा है जो आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइस, एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस वीडियो की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जीके ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे आप डेली करंट अफेयर पा सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी जाए तो पूछा ये गया है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया था आशा पारेख जी को। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए इनको दिया गया है और 2019 के लिए दिया गया था रजनीकांत जी को और 2018 के लिए दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है गाइस, और पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1969 में देविका रानी जी को। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेते हैं और पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से किसे 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये करा गया है प्रोफेसर रामधरश मिश्र जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी कविता मैं तो यहाँ हूं के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बात करी जाए सरस्वती सम्मान को लेकर के तो इसकी स्थापना 1991 में करी गई थी और बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्ष 2022 के लिए किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है दामोदर मौजो को। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है दामोदर मौजी को। लेकिन अगर मैं बात कर लूं 56वां तो ये दिया गया था नीलमणि फूकन जी को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करी जाए पूछा ये गया है कि अक्टूबर 2022 में बूकर पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है सुहान करुणा तिलका ने। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ बूकर पुरस्कार को लेकर के तो किसी साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें यहाँ पे पूछा ये गया है कि 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है कोड़ा को। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है तो आपको नाम ध्यान रखना है विल स्मिथ। और अभिनेत्री की बात करी जाए तो जेसिका चेस्टन। और अगर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करी जाए तो आपको नाम ध्यान रखना है जॉन कैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को शांति क्षेत्र में वर्ष 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। देखिए यहाँ पे दो बातें आ रही हैं, एक तो बात कर रहा हूं मैं व्यक्ति को लेकर के, साथ साथ में संस्था को लेकर के भी बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मेमोरियल जो कि रूस का है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन में है, और बलियाडस्की। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं कि इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब अगर बात करिए नोबेल पुरस्कार को लेकर के तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में करी गई थी। और नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो चिकित्सा, भौतिक, रासायनिक, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि हाल ही में किसे पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे करा गया है, ये करा गया है डेनिस सुलिवन को। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ध्यान रखना है कि टोपोलॉजी के योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से ऐसे किसी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है
स्वाति पिरामिल को। यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करी जाए, पूछा ये गया है कि कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है पुनीत राजकुमार जी को, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि आईफा 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये मिल गया है विकी कौशल जी को, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात आएगी तो नाम ध्यान रखना है विकी कौशल, अभिनेत्री की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कीर्ति सेनन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात आएगी तो आपको नाम ध्यान रखना है विष्णु वर्धन, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है शेरशाह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेमोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो ये करा है मलेशिया ने, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि हाल ही में किसने यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है एंजेला मार्केल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना करी गई थी 16 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया? तो ये करा गया था कुमार सानू जी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है? तो ये करा गया है सभी को, है ना, बर्नाडेट मैडविक, तदाशिती हटोरी और गैरी बेंचेगी, इन तीनों को करा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को लेकर के, तो इसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1957 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेते हैं, और पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से किसे 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है? तो ये करा गया है नारायण प्रधान जी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है शेरशाह को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को लेकर के, नाम ध्यान रखना है शेरशाह। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात आएगी तो आपको नाम ध्यान रखना है रणवीर सिंह, और अभिनेत्री की बात आएगी तो आपको कीर्ति सेनन, और फिल्म मैंने आपको बता ही दिया। आगे बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है भगवंत अनमोल जी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है पुष्पा द राइस को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेते हैं, पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इन तीनों को करा गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुलित्जर अवार्ड को लेकर के बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ये सम्मान है, और 1917 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता को निवृत्ति मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये करा गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को
यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित करा गया है। तो ये करा गया है पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है कैरोलिना बिलावस्का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, ये थे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुरस्कार एवं सम्मान से, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, और लोगों को शेयर करिए जिससे और लोगों का इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।